नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं बिग बुलेटिन की खबरों के साथ। मेरठ एसएसपी ऑफिस पहुंची दुष्कर्म और एसिड अटैक पीड़िता एसएसपी के न मिलने पर काफी परेशान हुई। पीड़िता का आरोप था कि आरोपी दरोगा उसको पिस्टल से गोली मारने की धमकी दे रहा है, दरोगा समझौता का दबाव बना रहा है। पीड़िता ने बताया कि एसएसपी आवास के पास बुधवार शाम को सिविल लाइन थाने जा रही थी। दुष्कर्म पीड़िता पर दरोगा की पत्नी व दो युवकों ने तेजाब फेंक दिया, जिसमें पीड़िता झुलस गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीओ सिविल लाइन सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। देर रात तक पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी थी। दुष्कर्म मामले में दरोगा और जानलेवा हमले में पीड़िता भी पहले जेल जा चुकी है। मेरा नाम तैयबा है। सर, मैं लखनऊ गई थी अपने मुकदमे को लेकर। कप्तान साहब से बात हुई है, आज भी मिलने के लिए मना कर दिया। उनके प्यारों ने फ़ोन उठाया है कि वो किसी मीटिंग में गए हुए हैं, आज भी मुझे नहीं मिलन दे रहे हैं। लेकिन आज मैं फिर दोबारा लखनऊ जाऊंगी। तो सर, मैं ये घटना हुई थी मेरे साथ में, नरेंद्र दरोगा की पत्नी है जिन्होंने मेरे पर ये एसिड फेंका गया, तेजाब फेंका गया। उनके हस्बैंड नरेंद्र दरोगा जी मेरे 376 के मुकदमे में जेल जा चुके हैं। फिर उसी का फैसले का दबाव बनाने के लिए मेरे पे 376 का केस करा दिया था सिविलियन थाने में। मैं उसी मैटर को लेके इंस्पेक्टर साहब से बात करने के लिए जा रही थी। तो सर, रास्ते में कुटी चौराहा पड़ता है कप्तान साहब के बंगले के बराबर में, वहाँ पे मेरे पे ये एसिड फेंका गया, तेजाब पिलाने की कोशिश की गई है। मेरी स्कूटी जली पड़ी है, मेरे कपड़े और मेरा हाथ जला पड़ा है सर। तो इसमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, और जिसमें मुकदमा लिखा गया है वो भी लखनऊ के आदेश पर लिखा गया है। पुलिस का पक्ष कर रही है, अगर मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। वो कौन लोग थे जिन्होंने तेजाब डाला? ये नरेंद्र दरोगा की वाइफ है, नीतू अरिफ अनीता उसका नाम है। और ये बस फैसले का दबाव है कि ये 376 के मुकदमे जो दरोगा जी जेल जा चुके हैं, ताकि इस मुकदमे में फैसला कर ले। मैं जब तक जीऊँगी ना, मैं इस मुकदमे को उसे सजा करवा के रहूँगी, मैं फैसला नहीं करूँगी। वो मेरे पास आज भी दबाव दे रहा है इस चीज़ का कि फैसला कर ले, वरना उठाकर पिस्टल से गोली मार दूंगा। पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही इस चीज़ को लेकर। जी।